Terrorism in the 21st century. This is a topic which is quite alarming for the whole world. And specifically, it is the area of concern for the students of political sociology. Because in the 21st century, we all are experiencing the issue of terrorism. And the issue mainly that is to fight against the unseen enemy. Okay. नाइन अलेवन इंसिडेंट के बाद दुनिया के अंदर सबसे बड़ी मुश्किल ये पेश आई कि टेररिज्म के ऊपर कोई ऐसी डेफिनेशन जिसके ऊपर सबका कंसेंसस हो जो यूएन की तरफ से हो या किसी इंटरनेशनल फोरम की तरफ से हो ऐसी कोई डेफिनेशन अवेलेबल नहीं थी और जब वॉर ऑन टेरर की बात की गई अमेरिका की तरफ से एक वॉर इनिशिएट हुई जिसमें दुनिया के बहुत सारे ममालिक पार्टी बन गए लेकिन वहाँ ये आइडिया नहीं था कि असल में ये वॉर जो है वो किसके ख़िलाफ़ लड़ी जा रही है आप टेररिस्ट को कैसे डिफाइन करेंगे कि हु इज़ टेररिस्ट क्योंकि जो ये तो नहीं कहा जा सकता था कि जो कोई भी अमरीका की दी हुई कॉन्टेक्स्ट में फिटिन नहीं होगा वही टेररिस्ट है क्योंकि बहुत सारे खत्े दुनिया में ऐसे भी मौजूद हैं जहां लोग अपने हकूक़ के लिए अपनी आज़ादी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं तो उनको कैसे फिट इन किया जाएगा क्योंकि किसी एक जगह पर जो टेररिस्ट हैं हो सकता है किसी दूसरी जगह पर वही उन लोगों के लिए जद करने में मसरूफ़ हो तो इस सिचुएशन के अंदर जो टेररिज्म इन द ट्वेंटी फ़र्स्ट सेंचुरी का जो टॉपिक है या ये जो इशू है ये पॉलिटिकल सोशोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ताकि वो इस इशू की नेचर को अंडरस्टैंड कर सकें बिकॉज़ द वर्ल्ड टेर्रिज़्मूज फॉर फ्रेंच जेकोबियन गवर्नमेंट्स रेन ऑफ टेरर अब यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे मुल्कों ने टेररिज्म की टर्म को यूज़ भी किया यूएस ने तो अपने कॉन्टेक्स्ट में टेररिज्म की टर्म को डिफ़ाइन करने की एफर्ट भी की जिसके बाद पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में टेरज़म को डिफाइन करने के लिए बाकायदा स्टडीज़ का आगाज भी हुआ लेकिन इनिशियली टेरिज़म को तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया इंक्लूडिंग स्टेट टेरिज़म स्टेट स्पॉन्सर टेरिज़म एंड सब स्टेट टेरज़म अब वन वी सेम कैन बी डिवाइडेड इन डोमेस्टिक टेर्रजम एंड इंटरनेशनल टेर्रिज़म जब सारी ही पार्टीज़ इन्वॉल्व होंगी टेररिज्म के ख़िलाफ़ और उनका मकसद या मतलब होगा कि वो किसी एक के ख़िलाफ़ जदोजहद कर रही हैं तो जाहिर है इस टेररिज्म की नेचर इसकी शक्ल जो है वो और होगी लेकिन और ख़ास तौर पर अगर हुकूमत अपनी सरबराही में कुछ ऐसे एंटी स्टेट एलिमेंट्स के ख़िलाफ़ एंटी सोसाइटी एलिमेंट्स के ख़िलाफ़ जद कर रही है तो वहाँ इस टेररिज्म की शक्ल फ़र्क होगी लेकिन अगर स्टेट तशद के ज़रिए उन लोगों की आवाज़ को दबाना चाहती है जिनका जेन राइट टू डिमांड है फॉर देयर राइट्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ द जेनुअन जेन परसेप्शन जैसे कश्मीर के अंदर है जैसे फ़लस्ती के अंदर है और इसी तरीके से दुनिया के कुछ और हिस्सों के अंदर भी जहाँ लोग बहुत तवील अरसे अपने लिए आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं उनके दरमियान और टेरज़म के दरमियान एक डिस्टिंगशन क्रिएट करना एक लाइन क्रिएट करना जो है ये बेसिक किसकी जॉब है ये पॉलिटिकल सोशियोलॉजिस्ट की जॉब है और ये पढ़े लिखे तबके की ज़रूरत है कि वो अब आम लोगों को और दुनिया को कन्विंस कर सकें क्योंकि जो स्टेट टेरज़म है इट अकर्स वेन वेल्थ इज सफिशेंटली अन एकवल द स्टेट में रिजॉर्ट टू टॉर्चर द इक्वल दोज हु डिमांड चेंज अब स्टेट जो है वो तो कोशिश करेगी कि जो भी लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि स्टेट के अगेंस्ट आवाज़ उठाई जाए किसी तरीके से उस आवाज़ को दबा दिया जाए लेकिन इसके अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स का होना ज़रूरी है कि पोलिटिकल इश्यूज भी हो और इकोनॉमिक इश्यूज भी हो। अगर पॉलिटिकल इश्यूज जेनुअन हैं और इकनॉमिक इश्यूज जेनुअन हैं तो फिर डेफिनेटली स्टेट टेररिज्म का मतलब ये होगा कि अपने ही लोगों के ख़िलाफ़ जो है बकायदा ऐसे एक्शंस लिए जाएं कि लोगों की आवाज़ को दबा दिया जाए लेकिन स्टेट टेररिज्म वहां ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर लेता है जहां लोग अपने हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं और उन पर ज़बरदस्ती उनके इलाके पर जबरदस्ती कंट्रोल कर लेती है रियासत ऐसे ही जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है इस वेन द स्टेट सपोर्ट टेररिस्ट ग्रुप्स फॉर द प्रमोशन ऑफ़ देयर इंट्रस्ट्स एंड पोलिटिकल गोल्स स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म इज़ अ फनिना इन मॉडर्न टाइम्स लाइक यू एस की तरफ से बात हुई क्यूबा में ईरान के लिए बात की जाती है सूडान या सीरिया के केस जो हैं वहाँ पर ये बात की जाती है ऐसे ही जो सब स्टेट टैरिज़म है इसके हवाले से बड़ी डिबेट चलती है जो काजेज़ ऑफ टेरिज़म है इन द टेंटी फर्स्ट सेंचुरी ये कोई एक कॉज नहीं होती बल्कि वैरायटी ऑफ काज़ हैं कई किसी जगह का पर माइक्रो डायनेमिक्स होते हैं कहीं पर मैक्रो डनामिक्स हैं यानी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो दुनिया में इस वक्त टेर्रज़म को प्रमोट कर रहे हैं कहीं पर कुछ ऐसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लोगों को इमोशनली ब्लैक मेल करती हैं इन द नाइम इन द नेम ऑफ सम रिलीजियस एंड सोशल इश्यूज़ तो ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स फिनिना है जिसको समझने के लिए इन डेप्थ एनालिसिस और बहुत ज़्यादा क्लैरिटी रिक्वायर्ड है ख़ास तौर पर फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ पोलिटिकल सोशोलॉजी